लोग कहते हैं कि राहुल गांधी से पूछा भी गया कुछ टीवी चैनलों के इंटरव्यू में, सॉरी राजीव पीएम से पूछा गया कि कई लोग कहते हैं कि राहुल गांधी आपके लिए एक एसेट हैं, जब तक राहुल गांधी हैं आपके लिए ताकत है। पीएम उस बात पे नहीं आए। पत्रकारों का एक वर्ग ये मानता है कि राहुल गांधी का मजाक उड़ता है, राहुल पीएम के सामने एक ऐसा कमजोर कड़ी है जिसके कारण वो और ताकतवर हो जाते हैं। तब खैरातियों ने एक नया नैरेटिव गढ़ा, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि सोनिया गांधी ने घोषित रूप से किया हुआ है ये अपने कार्यकर्ताओं में कि प्रियंका वाड्रा की कोई तारीफ नहीं करेगा, इसलिए आपको कोई खैराती कभी प्रियंका वाड्रा की तारीफ नहीं करेगा, कभी आप नहीं देखेंगे। लेकिन हताश निराश वो विनोद शर्मा जो आतंकवादियों के साथ बैठ करके पाकिस्तान का महिमा मंडन करता है, आज उसने एक ट्वीट किया, उसको आपके शहर वाला जो वो सफेद दाढ़ी वाला है उसने रिट्वीट किया, आप देखेंगे चौंकेंगे। नया शिरा इस 2000 विनोद शर्मा लिखता, कौन है विनोद शर्मा, मतलब व्यूअर्स बढ़िया जानते हैं, एक समय टेलीविजन चैनलों पे हमेशा रहता था, आज के डेट में भी शुक्ला जी के चैनल पे रहता है। परिणाम कुछ भी हो, मतलब इन चिरकुटों ने मान लिया है कि परिमाण नाम क्या होगा, 2024 के चुनाव की सर्वश्रेष्ठ वक्ता प्रियंका गांधी ही रहेंगी, उनके भाषण, सुंदर भाषा, शानदार तर्कों और सामाजिक सौहार्द के लिहाज से सबसे बेहतर है। जो मेरे साथ सहमत है वो ट्वीट करेंगे तो अच्छा लगेगा, अपने चमचों को कह दिया तो चमचा नंबर वन आ गया ऊपर। सहमत विनोद, प्रियंका भाषा की सहजता, मन को छूने की क्षमता, शालीनता और अनाक्रमकता में राहुल से बेहतर रही हैं। तो क्या रुक जाइए मनीष जी, अब आप बताइए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या गलत कहा था कि जाके मुजरा करो, और मुजरा कैसे होता है, यही तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि जाके मुजरा करते हो, तो मुजरा कैसे होता है ये आपने दिखा दिया है। अब आप बताइए, मैंने कहा इसी समय पंच मारना जरूरी है, राहुल देव ने अपने उसमें गांधी का फोटो, इन लोगों को लगता है कि अपने पाप ये गांधी का चेहरा लगा करके ढक लेंगे। देखिए मतलब इस लायक खुद को नहीं समझता कि अपना फोटो लगा सके। जरा देख लीजिए बनी जी, और बड़ा पाप कि वो गांधी उसको मुजरे का दलाल बना दिया, उसको उसको मुजरा गांधी फोटो लगा के मुजरा हो रहा है, क्या गजब का इन लोगों ने है, क्या कहा जाए। नहीं तो आपको क्या लग रहा सर ये एजेंडा विनोद शर्मा, क्योंकि ये बिना बिना माल लिए कुछ करता नहीं होगा ये सब, ये एजेंडा कुछ, ये जो कश्मीर में आतंकवादियों के साथ बैठ करके भारत के खिलाफ नैरेटिव घटता हो। नहीं अभी समझा दे रहा हूँ मनीष जी कि देखिए 2004 जून को उसका तो बुढ़िया बिस्तर गोल, वो जो 55 बरस का अधेड़ मणिपुर से मुंबई के लिए निकला था उसका बुढ़िया बिस्तर गोल, अब कांग्रेसी पानी पी पी के गाली दे के कुछ डंडा डंडा लेके कर ये दौड़ा ना ले उसको, क्योंकि अब वो लगातार तीसरी लोकसभा हारेगा, बहुत बुरी तरीके से हारेगा, तो उसका काम पता हूँ। अब इन खैरातियों को चिंता सताने लगी, हाय हाय हमारा क्या होगा, हमारा माल अब कहाँ से आएगा, तो जाहिर सी बात है गांधी परिवार वहां कब्जा तो अभी छोड़ना नहीं जब तक माता जी जेल न चली जाए, तो जाहिर वो भागेगा तो बहन जी आएंगी, तो बहन जी के लिए अभी से तेल और घी के मक्खन इन्होंने निकाल लिए, लगाना शुरू कर दिया। सबसे पहले मक्खन मैंने लाया था, मैं लगाया था हाँ बस बस, और ये सबूत दिखाएंगे, ये अपनी रोटी पक्की कर रहे हैं, वो है चाहे जौन मरे इनकी रोटी पक्की होती रहे, इनके टुकड़े लगातार आते रहे वहां से, उसी चक्कर में जुट गए बाढ़। तो मगर बनी जी बहुत बढ़िया कि दर्शक समझ रहे कि उनकी समझ में ना आया हो जिनकी, कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था, किसको कहा था कि मुजरा कैसे होता है, उसका बेहतरीन उदाहरण आज मनीष जी ने ये दिखा दिया आपको। बिल्कुल, मुझे जब लगा कि ये फैक्ट बहुत जरूरी है देखना कि देखिए क्यों पीएम कहते हैं कि ये मुजरा करते हैं, क्यों इनको दलालों का गैंग कहा, जीवन भर इन लोगों ने क्या कुछ किया, इन लोग को जीवन भर बढ़िया क्वालिटी का शराब चाहिए, प्रधानमंत्री के साथ विदेश यात्राएं, जीवन और इनकी सर दुकान अटल जी के दौर तक चली, भले ही सरकार कांग्रेस के अटल जी की नहीं थी, अटल जी के दौर में जैसे जैसे जो खैराती जो उस दौर में चलते थे, मोदी ने सबकी दुकान बंद कर दी। यही फर्क है कि भले ही आरएसएस के वो भी थे और मोदी भी हैं, लेकिन मोदी ने दुकान बंद किया, अटल जी इन लोगों पर नरमी बरतते रहे।